हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। बहुत सारे ट्रेडर्स का मुझे मैसेज आ रहा था, सर क्रूड ऑयल के लिए, कमोडिटीज के लिए कुछ तो बताइए स्ट्रेटजी। जो इवनिंग में वर्किंग पब्लिक होता है, ट्रेडर्स होता है कि जिनको इवनिंग आफ्टर 3:30 अपने नॉर्मल मार्केट के बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो उसके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी क्रूड ऑयल, सिल्वर, नेचुरल गैस, गोल्ड में काफी ऑसम चलेगी। आज हम लोग इसको क्रूड ऑयल एंड सिल्वर पे अप्लाई करके देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क होता है। तो डायरेक्टली हम लोग चार्ट पे आएंगे। ये स्ट्रेटजी में बेसिकली मैं टू डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज करूंगा, दोनों का सेटिंग मैं बताऊंगा आपको कि कैसे सेटिंग करना है और कैसे इसको यूज करना है। सो दिस इज अ क्रूड ऑयल का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है जो अभी मैंने यहां पे यूज किया हुआ है। कमोडिटीज में मेन जो होता है वो मतलब टाइम फ्रेम होता है, तो कमोडिटीज के लिए टाइम फ्रेम आप मिनिमम 15 मिनट्स यूज कीजिए। बहुत सारे ट्रेडर्स गलतियां करते कि 3 मिनट्स, 5 मिनट्स निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए यूज करने जाते हैं और उनका स्टॉप लॉस मेजोरिटी यूज होता है। तो मिनिमम 15 मिनट्स रखिए, 30 मिनट्स अवरली करोगे तो वेल एंड गुड, तो स्टॉप लॉस भी रीजनेबल रहेगा, हिट नहीं होगा और आपको रिस्क रिवॉर्ड भी परफेक्ट मिलेगा। टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट्स। आरआर रेशियो जो भी कुछ रखना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो मिनिमम 1:2 रखना है। आफ्टर दैट फॉर बड़े टारगेट के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। ट्रेडिंग टाइम क्या होना चाहिए, इसमें ट्रेडिंग टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जनरली 4 to 9 PM के बीच में ही यूज करना है आपको, क्योंकि इसके बीच में ही मोमेंटम आता है। ये थोड़ा से आपको और थोड़ा रिस्की जाना है तो मॉर्निंग टाइम भी आप प्रीफर कर सकते हो, जब भी कमोडिटी ओपन होता है 9 to 11 AM के बीच में। आफ्टर दैट ट्रेड मत कीजिए, बीच में 11 to 4 o'clock तक तो मोमेंटम होता ही नहीं है, क्योंकि कमोडिटी का एक्चुअल टाइम क्या है, मॉर्निंग में 9 o'clock को ओपन होता है और रात को 11:30 बजे तक कमोडिटी चलता है, 9 to 11:30। तो पूरे ये 14 hours बैठने की जरूरत नहीं है, इसमें से ये शाम के 4 घंटे है ना, 3 to 4 hours वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां पे ही फोकस रखो। और जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते तो वो बाद में भी ट्रेड करते, ये दीज आर द इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आगे जाने से पहले। यहां पे मैंने 2 ट्रेडिंग इंडिकेटर यूज किए हुए। फर्स्ट तो है, सबको पता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड सेकेंड वन इज अ स्टोकेस्टिक। तो ये स्टोकेस्टिक का वन लाइन है, उसका एक स्पेशल सेटिंग है वो मैं बताऊंगा आपको। पहले हम लोग देखते हैं कि बाय का सेल सिग्नल कैसे लेना है और सेल का सेल सिग्नल कैसे देखना है। सो बाय मतलब बुलिश करने के लिए, तो यहां पे फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए कैंडल जो भी कुछ है ये अबव 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होना चाहिए। ये येलो लाइन मतलब 50 EMA का लाइन है जो मैंने यूज किया, एंड दिस इज नथिंग बट द स्टोकेस्टिक RSI, ये जो भी कुछ मैंने लाइन किया। तो प्राइस क्या होना चाहिए, अबव 50 EMA होना चाहिए अभी बाय के लिए, जब भी आप करोगे सेकंड। और सेल के लिए करना है तो क्या रहेगा, बिलो 50 EMA होना चाहिए। मतलब अगर प्राइस बिलो 50 EMA और आप बाय करो तो वो रॉन्ग सिग्नल होगा। दैट इज द फर्स्ट रूल जो आपको फॉलो करना है। तो वहां पे आपका 50% फिल्टर क्राइटेरिया हो जाए। अभी एक्चुअल बाइंग कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। रूल नंबर 1, यहाँ पे स्टोकेस्टिक RSI है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, दिस इज वन टाइप ऑफ ऑसिलेटर। तो यहाँ पे मैंने एक अपर साइड 75 रखा है और लोअर साइड 35 रखा है सेटिंग। मैं बाइंग के लिए, लेट अस से ये स्टोकेस्टिक का लाइन है, ये ऐसे तो ऊपर से लाइन आ रहा है, नीचे से ऊपर जाके ऊपर आना चाहिए 35 के यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा एक बाय अलर्ट ट्रिगर होगा। डायरेक्टली बाय करना है क्या, नहीं, ये स्टोकेस्टिक का सेटिंग था कि नीचे से आके ऊपर 35 को क्रॉस करना चाहिए, दैट इज अलर्ट। तो लेट अस से यहां पे कहां पे, तो एक अलर्ट है यहां पे, दिस इज अवर फर्स्ट अलर्ट। सेकंड अलर्ट क्या होना चाहिए, प्राइस जो भी कुछ है, दिस इज क्रूड ऑयल का चार्ट, 15 मिनट्स का ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ये अलर्ट आने के बाद, ये अलर्ट आ गया मतलब मुझे बाय करना है, ये अलर्ट आने का 15 मिनट्स का ग्रीन कैंडल क्लोज अबव 50 EMA होना चाहिए। तो यहां पे मुझे एक सिग्नल मिला, तो यहां पे देख सकते हो कि ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है 50 EMA के ऊपर, दिख रहा है सबको। तो एंट्री कैसे करना है भी आपको, एंट्री मतलब जो भी कुछ मेरा यहाँ पे कैंडल है जो क्लोज हुआ है उसके हाई के ऊपर आपको एंट्री लेनी होती है, दिस कैंडल के हाई के इधर आपको एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस क्या लगाना है, प्रीवियस स्विंग लो इज अ बेस्ट आइडियल स्टॉप लॉस जो 90% हिट नहीं होता। इसका ये लो ये था तो ये स्टॉप लॉस रहेगा, एंड ये जितना भी आपका है उसके 1:2 मिनिमम जो इजीली आपको टारगेट देके जाता है, टेंशन फ्री टारगेट, एंड एक्यूरेसी इसकी 70 to 80% है। जस्ट आपको पेशेंस रखना है। बाय का परफेक्ट कि स्टोकेस्टिक जो था वो नीचे से ऊपर आया था 35 के यहाँ पे, तो दिस इज द अलर्ट। यहाँ पे कहाँ पे तो अलर्ट है,
उसके बाद वेट करना है ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, कैंडल ग्रीन होना चाहिए, उसके हाई के ऊपर एंट्री लेंगे, ये मतलब मेरा स्टॉप लॉस। सेम ऐसे मैं बहुत सारे आपको बैक टेस्ट करके बता सकता हूं स्टॉप लॉस कहां पे हिट होता है, वो भी हम लोग ट्रेड देखेंगे। अदरवाइज बहुत सारे बोलते हैं कि अरे यहां पे जो टारगेट आया वो भी, मैंने बोला ना 70-80% एक्यूरेसी है, बट रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है 1:2 है, तो आपका ऑलवेज प्रॉफिट में रहोगे। स्टॉप लॉस यहां पे भी हिट होंगे, अगर 10 ट्रेड लेंगे तो 2-3 स्टॉप लॉस आपके भी हिट होंगे, पर स्टॉप लॉस छोटू सा रहेगा, टारगेट मुझे बढ़ा ले। यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे एक कहां पे तो अलर्ट आया, यहां पे देख रहा है नीचे से ऊपर है, यहां पे कहां पे तो अलर्ट है, यहां पे अलर्ट है, बट कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ क्या? नहीं हुआ, तो यहां पे ट्रेड ही नहीं बना। फिर से नीचे है, नीचे से ऊपर है, यहां पे कहां पे तो अलर्ट आया, अलर्ट आया तो ग्रीन कैंडल कहां पे? यहां पे ग्रीन कैंडल है, इसके हाई के ऊपर मुझे एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस क्या बोला मैंने, इसके लिए मैंने बोला कि स्टॉप लॉस उसका प्रीवियस जो लो है वो, तो प्रीवियस लो क्या था ये, तो ये स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट इजिली 1:2 दे दिया उसने इजिली। या अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और कोई रेड कैंडल अगर ये 50 EMA के यहाँ पे क्लोज होता है तो भी आप सेफ ट्रेडर एग्जिट कर सकते, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जिट क्राइटेरिया। स्टॉप लॉस तक वेट करने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे एग्जांपल मैं बता सकता हूँ और आप जाके चेक करो, बहुत अच्छा एक्यूरेसी है। मैं स्टॉकेस्टिक का आपको बताऊंगा, यहाँ पे कहाँ पे तो स्टॉकेस्टिक ने अलर्ट दिया, यहाँ पे अलर्ट दिया, नीचे से ऊपर आया अलर्ट दिया, अलर्ट दिया, बट मैं एंट्री कहां पे करूंगा? ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर, तो यहाँ पे कहां पे तो मेरी एंट्री होगी, इसका प्रीवियस मतलब स्टॉप लॉस, और आप देख सकते हो इजीली 1:2 का टारगेट उसने दे दिया। सो दीज आर द बाइंग। अभी हम लोग देखेंगे सेलिंग का ट्रेड। सेलिंग के लिए क्या होगा, नाउ शॉर्ट कभी करना है सेलिंग का ट्रेड, फर्स्ट तो स्टॉकेस्टिक जो भी कुछ है ये ऊपर ऐसे जाके ऊपर से नीचे 75 को कट करना चाहो, तो दिस इज योर अलर्ट, मतलब आप अलर्ट हो जाओगे कि भाई मुझे अभी ट्रेड आने वाला है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां से ऊपर से नीचे एक ट्रेड आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, यहां पे कहां पे तो बराबर ट्रेड एक्चुअल कहां पे लेना है। सेकंड अलर्ट क्या देखना है, रेड कैंडल, उसके बाद कोई भी रेड कैंडल क्लोज बिलो 50 EMA होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहां पे कहां पे तो मेरा अलर्ट है। इसके बाद क्या है, इसके नीचे मुझे शॉर्ट करना है, इसका प्रीवियस ये मतलब मेरा स्टॉप लॉस हाई मतलब, और आप देख सकते हो इजीली 1:2 दे दिया इजीली, दिस इज वेरी 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 इजी टारगेट, इज दैट क्लियर। जस्ट आपको फोकस रखना है कि अलर्ट कहां पे आ रहा है स्टॉकेस्टिक का, उसके बाद वेट करना है मेरे कैंडल का कि रेड कैंडल 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाए, उसके लोअर के नीचे मुझे शॉर्ट करना है, तो ये परफेक्ट था। कोई बोलेगा सर यहां पे भी आया है मुझे, यहां पे देखो स्टॉकेस्टिक तो बार बार देते रहेगा अलर्ट, यहां पे अलर्ट है, अलर्ट आया बट कोई भी कैंडल क्लोज हुआ क्या ये जोन में? नहीं हुआ, तो हम नहीं ले सकते। यहां पे भी अलर्ट आया बट कोई कैंडल क्लोज हुआ क्या यहां पे? नहीं हुआ, बट यहां पे आप देख सकते हो कि नीचे आने के बाद ये कैंडल का नीचे मुझे शॉर्ट करना, तो इसके लिए बफर लेके आप शॉर्ट करोगे ना तभी आपको पता चलेगा। अभी देखो एक बेहतरीन ट्रेड बता दो, यहां से स्टॉकिस्टिक ऊपर गया, ऊपर आके यहां पे कहां पे तो मुझे अलर्ट दिया, यहां पे मतलब यहां पे, तो यहां पे कहां पे शॉर्ट होगा क्या? नहीं शॉर्ट होगा, हम आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, यहां पे कहां पे तो आपको अलर्ट कैंडल दिखा, दिख रहा है अलर्ट कैंडल, उसके बाद स्टॉकिस्टिक का रोल खत्म है, उसके बाद स्टॉकिस्टिक नहीं देखना मुझे, इज दैट क्लियर। तो यहां पे कहां पे तो मुझे अलर्ट कैंडल मिला, तो यहां पे देखो इसके लो के नीचे मुझे शॉर्ट करना है क्योंकि कैंडल लो हो रहा है, और इसका प्रीवियस हाई मतलब स्टॉप लॉस, और आप देख सकते हो बेहतरीन ट्रेड 1:2 क्या 1:5 1:7 भी आपको यहाँ पे मिल सकता है इफ यू नो द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट। अभी हम आते हैं कि स्टॉकेस्टिक का सेटिंग कैसे करना है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इंडिकेटर के फॉर्म में जाना है, यहां पे स्टॉकेस्टिक टाइप करना है, दिख रहा है स्टॉकेस्टिक, इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनिशियली आपको 2-3 लाइन दिख रहा है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे इसके सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में आए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी कुछ है 1 है, 1 के जगह पे आप क्या करोगे 2 करोगे, स्मूथ वाला जो रेशियो है वो 2 रखोगे, और परसेंटेज डी जो भी कुछ है उसको मुझे नहीं चाहिए तो उसको हटा देंगे, ठीक है, परसेंटेज के को ही मुझे चाहिए तो उसके जगह पे मैंने ये लाइन कर ली, तो स्टाइल में आया परसेंटेज डी को हटा दिया, इनपुट्स में आया यहां पे 14.02 कर दिया, तो दिस इज माय परफेक्ट स्मूथ वाला दिखेगा, जैसे हम लोग RSI यूज करते हैं उस टाइप से आपको यहां पे दिखेगा। बहुत बार क्या होता है, कभी ट्रेंड नहीं लेना है, वो भी इंपॉर्टेंट, और स्टॉप लॉस हंटिंग कभी होता है जब ये मार्केट रेंज बाउंड होता है, दिस इज अ रेंज बाउंड मार्केट, तो ये रेंज बाउंड मार्केट में आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे बार बार, ऊपर साइड भी और नीचे साइड भी, तो इसको अवॉइड कैसे करना है, बाय यूजिंग VWAP स्ट्रेटजी, बाय यूजिंग 200 डेज मूविंग एवरेज, बाय यूजिंग साइडवेज या बाय यूजिंग हेकेनशी,
जो रूल आपको पता है कि साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो साइडवेज मार्केट के टाइम इसको यूज नहीं करना है तो आपके लॉसेस होंगे। तो वो साइडवेज मार्केट अवॉइड करने के लिए मैंने टाइम फ्रेम भी बोला कि 4 to 8 PM, 9 PM के बीच में यूज करेगा तो वो साइडवेज नहीं होता, ट्रेंडिंग मार्केट होता, कोई एनी डायरेक्शन में ब्रेकआउट ट्रेड देगा। जनरली मॉर्निंग टाइम में ये साइडवेज एक्शन देता, तो साइडवेज एक्शन में आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो मत ट्रेड कीजिए, जनरली फॉलो कीजिए मॉर्निंग टाइम 9 to 10:30 वाला, जहां पे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट आपको जनरली मिलेगा, या इवनिंग में 4 to 8 वाला ट्रेड, तो वहां पे काफी अच्छे रॉकेट ट्रेड्स मिलते हैं। आप खुद इसको पहले बैक टेस्ट कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि कितना हीट रेशियो है, कि पहले पेपर ट्रेड कीजिए, देन एक्चुअली आप स्मॉल ट्रेड पे जाइए, पहले आप मिनी लॉट में ट्रेड कीजिए, वहां पे आपका एक बार कॉन्फिडेंस आने के बाद फिर आप एक्चुअल बड़े लॉट में ट्रेड कर सकते। मेरे स्ट्रैटेजी आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।